प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे 5 इंची आदात की हासिल वाली और बगैर हासिल वाली तफरीक कैसे करते हैं। पिछले समय हमने देखा कि 4 इंची आदात की हासिल वाली और बगैर हासिल वाली तफरीक किस तरह से की जाती है। तो 5 इंची आदात की तफरीक को समझने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं। यहाँ पर हमें 35,004 में से 12,708 को तफरीक करना है। तफरीक करने का मतलब हमने सीखा है। हम क्या करते हैं, पहले इस तरह से एक खाका तैयार कर लेते हैं, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह के हमने अदद लिखे थे। क्योंकि ये अदद 10,000 का है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक और सुतून 10,000 वाला यहाँ पर मैंने लिखा है। तो चलिए यहाँ पर हम 35,000 को खाके में लिख देते हैं। 35,000 में 3 10,000 के मकाम पर, 5,000 के मकाम पर, सैकड़े के मकाम पर सिफर, दहाई के मकाम पर सिफर और इकाई के मकाम पर 4। हमें क्या तफरीक करना है, 12,708। अब हम इसको तरतीब बार नीचे लिख लेते हैं। तफरीक करते वक्त हम क्या आधार में रखते हैं कि इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा और 10,000 के नीचे 10,000 हम यहाँ पर लिखते हैं। तो 12,708 में इकाई क्या है, इकाई के मकाम पर 8 है, तो हम इसे 4 इकाई के नीचे लिखते हैं। दहाई के मकाम पर सिफर है, तो यहाँ पर हम सिफर दहाई लिख लेंगे। सैकड़े के मकाम पर 7 है, तो हम यहाँ पर 7 सैकड़ा लिख देंगे। हजार के मकाम पर 2 है और 10,000 के मकाम पर 1। अब हमें इनकी तफरीक करनी है। हम जानते हैं 4 में से 8 तफरीक करना मुमकिन नहीं, क्योंकि 4 छोटा अदद है और 8 बड़ा अदद है। तो हम क्या करते हैं, 4 के लिए बाजू से 1 हासिल लेते हैं, लेकिन यहाँ दहाई के मकाम पर भी कुछ नहीं है, तो हम देखते हैं कि सैकड़े के मकाम पर से हम कुछ हासिल ले सकते हैं क्या। यहाँ पर सैकड़े के मकाम पर भी सिफर है, तो हम क्या करेंगे, हजार के मकाम को देखते हैं। हजार के मकाम पर 5 है, तो हम यहाँ से हासिल ले सकते हैं। सबसे पहले हम 5 को खोलेंगे। 5 को खोलेंगे, यहाँ पे क्या रह जाएगा, 4 और 1,000 बाजू चलन देंगे, तो यहाँ कितने हो गए, अब हमारे पास 10 सैकड़ा। फिर हम ये 10 सैकड़ों को खोलेंगे और दहाई को 1 हासिल ले देंगे। 10 सैकड़े को खोलने से कितने रह गए यहाँ पर, 9 सैकड़ा, और 1 हासिल लेने से यहाँ पर बन गए 10 दहाई। लेकिन हमें हासिल किसको देना था, इकाई को देना था। फिर से हम इस 10 सैकड़े को खोलेंगे और 1 को हासिल में इकाई पर देंगे। इसको खोला, कितने बच गए यहाँ पर, 9 दहाई और 1 दहाई यहाँ पर आ गया। तो अब ये जो 4 इकाई था, अब बन गया 14 इकाई। अब 14 इकाई में से 8 इकाई हम आसानी से तफरीक कर सकते हैं। कितने रह गए, 6 इकाई। अब 9 दहाई में से सिफर दहाई को तफरीक करेंगे, कितने रह गए, 9 दहाई। 9 सैकड़े में से 7 सैकड़े को तफरीक करेंगे, कितने रह गए, 2 सैकड़ा। उसी तरह से 4,000 में से 2,000 को तफरीक करेंगे, कितने रह गए, 2,000। और आखिर में 3 10,000 में से 1 10,000 को तफरीक करेंगे, कितने रह गए, 2 10,000। यानी अगर हम 35,004 में से 12,708 को तफरीक करेंगे तो हमारा जवाब आता है 22,296। कितना आया, 22,296। इसी तरह की मजीद मिसालें बच्चों को दें ताकि वो हासिल वाली और बिना हासिल वाली जवाब को अच्छी तरह से समझ पाए। शुक्रिया।